पास में लाइए। वैसे तो जो गणतंत्र दिवस के हम 74 का वर्षगांठ मना रहे हैं और गणतंत्र की बात हो, गणतंत्र की बात हो और डॉक्टर अम्बेडकर की बात ना हो क्योंकि उसके शिल्पी हैं, तो ये उचित नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के बहुत सारे आयाम हैं यहाँ पर हमारे। सबसे पहले मैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। संविधान के विषय यदि उनके जीवन को देखें, उनके जीवन के आयाम को देखें, जब उन्होंने पुलम यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएशन से नौकरी प्राप्त करके जब यहाँ के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, तो उसको देखें, यदि कालाराम मंदिर के आंदोलन को देखें, मनुस्मृति को जलाए जाने को देखें और उन इतिहास को देखें और जो उनकी विटनेस है, जो साइबर कमीशन में उनकी विटनेस है उसे देखें, उसके बाद में काला कालिन का आयोग जो कमीशन था उसमें जो विटनेस उनको बुला कर देखा गया, ये सारे जो काम है ये उनके एज एडवोकेट थे, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन वकीलों में से वो एक थे। तो उनके जीवन के बहुत सारे आयाम रहे हैं, तो उनके जीवन के आयाम से लेकर यदि हम बात करें वर्तमान में, तो उन्होंने जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उन समय उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संविधान लागू होने के बाद में हम भी, जो हमारा भारत विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न कॉन्ट्रडिक्शन में प्रयोग हम जा रहे हैं, तो हमें जो विभिन्न संप्रदाय यहाँ पर होंगे और हैं भी, और विभिन्न राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर होंगी, तो हमें इस जो संविधान है उसकी जो मूल भावना है, जो स्क्रिप्ट है, उसे अंत तक बचाए रखना है। और यदि हमें मतलब ब्लड के अंतिम खून के बूंद तक उसे बचाए रखना है, ये बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कही थी। अभी चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कंसोर्टिया साहब, हमारे सारे जो एडवोकेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भारत की दशा और दिशा पर कुछ बात करना चाहता हूँ एज ए एडवोकेट। और जो इन्होंने कहा है अभी बहुत भारत की जो फंडामेंटल है, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो निहित भावनाएं हैं, उसके बारे में यदि एक चर्चा चल रही है। वैसे तो बहुत समय से चर्चा चल रही है भारतीय संविधान की समीक्षा की, बहुत सारे राइट्स कर्टेल किए जा रहे हैं, एलपीजी लागू होने के बाद में रिजर्वेशन की लगभग समाप्ति है। 2014 में जो गवर्नमेंट आई थी तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा था, ये हमारे सुब्रमण्य स्वामी साहब ने, कि हम आरक्षण को समाप्त तो नहीं करेंगे लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा कर देंगे कि आरक्षण नाम की चीज समाप्त हो जाए। अभी जो बात हो रही है संविधान की, उसके जो फेमस की बात हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। मिस्टर धनखड़ का आपने जो है जो स्पीकर के लोकसभा की बात हो रही थी वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जो केशवानंद भारती केस है, एडवोकेट समझ रहे हैं, केशवानंद भारती भारत के इतिहास में अब तक जितनी भी जूरी लगी है, जितने भी जज बैठे हैं, उसमें 13 जजों की बेंच का फैसला जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता में जो दिया गया है 1973 का, उससे बड़ी बेंच आज तक के भारतीय संविधान की पीठ में नहीं बैठी। और उसका जो संविधान का जो था उसमें ये कहा गया था कि आप उसके संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसके प्रीमल में परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं भी कोई परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो है भारत के संविधान के, जो उसकी मूल भावना है, जो उसकी स्पीड है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। 1973 से लेकर आप लगाइए इतने वर्ष हो गए हैं, उस जजमेंट को आज तक बदला नहीं गया। और भारत के उपराष्ट्रपति जो कि संविधानिक पोस्ट पे हैं, मैं विशेषकर उन लोगों से कहना चाहूँ जो संविधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति मिस्टर धनखड़, जिनकी हाई कोर्ट में, जिनके लोअर कोर्ट में, संभवतः वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने प्रैक्टिस की है। मुझे लगता है, जबकि मैं बहुत ज्यादा संविधान के बारे में उतना नहीं जानता हूं, लेकिन जितना भी जानता हूं उतना कह सकता हूं, यदि उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यदि उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो मुझे लगता है कि भारत के संविधान की उन्होंने प्रस्तावना को पढ़ा नहीं है और केशवानंद भारती के केस को पढ़ा नहीं है उन्होंने। यदि केशवानंद भारती और भारत के स्पीकर जो कि लोकसभा के स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर जो कि लोकसभा को चलाते हैं, वो भी उनका विचार भी यही है। और किरण रिजवी जी, यदि मैं कहूं कि पता नहीं उन्होंने कहा संविधान की बात करी है, जो कि भारत के कानून मंत्री हैं, संविधान की पीठ के लोग हैं, जो संविधान की पदों पर बैठे हुए हैं, उनका इशारा मैं आप लोगों को करना चाहता हूं कि वो देश की दिशा और दशा को क्या करना चाहते हैं। भारत के संविधान की जो फेमियस है उसे बदलने, उसकी जो मूल भावना है उसे वो लोग बदलना चाहते हैं। बदलने का मतलब आप समझते हैं ना,
भारतीय संविधान की मूल भावना को बदलने का आशय यही है कि उसकी डिग्निटी, उसकी फ्रेटरनिटी और उसकी सारी जो जो आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो इनकी ड्यूटी है स्टेट की उनमें जो मिले हुए हैं उनमें किसी तरह से कुठाराघात किया जाए और फंडामेंटल राइट्स का अटैक किया जाए। यदि फंडामेंटल राइट जो कि भारत जो कि मूल है जो कि प्रोटेक्टर है, मुझे आज खुशी है इस बात की कि नानी पालगी वाला जिसने उस केस को लगभग 65 दिन तक जब वो उसको केस को लड़ा और जिस समय वो जाते थे उसमें केस को लड़ने के लिए तो ये कहा जाता था कि स्वयं भगवान अदालत में प्रस्तुत हो गए हैं। नारी पालिका वाले जैसे जूरिस्ट को जिन्होंने उस केस को लड़ा और भारत के संविधान के इतिहास में एक लैंडमार्क जजमेंट है उसे यहाँ के उपराष्ट्रपति, यहाँ के लोकसभा के स्पीकर किरण रिजिजू जैसे लोग जो कि यहाँ के भारत के जो कि कानून मंत्री हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने संविधान की प्रीएम्बल को ठीक से पढ़ा नहीं। यदि वो ठीक से पढ़ते, अब आप देखिए कि साहब वो कहते हैं कॉलेज में मानता हूं, मैं भी समझ तक नहीं हूं कॉलेज का, क्योंकि सिस्टम का है कि उस समय बहुत सारे लोग नहीं थे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि अभी हमारे एससी रोगी के लोग यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें समय लगेगा बात जाने में, इसलिए उन्होंने उस चीज को किया था और बाद में कॉलेज में सिस्टम उठाया। मैं भी पूरी तरह से समर्थन नहीं हूं, उसमें भी सुधार होना चाहिए, लेकिन किरण रिजिजू जब एक चिट्ठी वहां पर लिखते हैं इसका मतलब यह है कि भारत के जो जो जस्टिस सिस्टम है, जो न्यायिक सिस्टम है, उससे गवर्नमेंट, आप समझते हैं ना, गवर्नमेंट मतलब दो विचारधाराएं इस समय है जो हमारे साथी गीतों के माध्यम से हमारी महिलाएं जो बात करती हैं, अधिकारों की बात करती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में भारत की हमारे लोकतंत्र में जो अमेरिका का लोकतंत्र है वहां भी 19 साल के बाद में महिलाओं को अधिकार मिला था, राइट टू वोट। और लीगेसी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर देखिए कि उन्होंने 1950 में 26 जनवरी लागू होने के बाद में रानी और मेहतरानी को एक वोट का अधिकार उन्होंने दिया था, ये डॉक्टर अम्बेडकर की लीगेसी है। यदि ये लोग संविधान, अब अभी मैं केवल दो बात करूंगा, उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक तो आर्थिक रूप से ये हम है जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से हमें बराबरी मिली है। क्या आपके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए आपको लगता है कि हम लोग यदि समानता, मैं आशावादी हूँ और सभी लोग संविधान के बाद में नौकरी में आए हैं, आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, जजेस बने हैं, बहुत सारा परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, उन्हीं लोगों को भी आह्वान, उन्हीं लोगों के राजधानी में बैठकर हम ये बात कर रहे हैं, हमें गांव में जाकर, हमने जो आईआरसीजी के गांव में जाकर 40-40 गांवों का हम लोग बहुत तरह पर बात कर रहे हैं, और संविधान की बात करें, प्रतीक की बात करें तो उन्होंने आपका एनिमेशन कास्ट देख लीजिए, चौक बहादुर गांधी और अम्बेडकर देख लीजिए, बहुत तरह में एनिमेशन बहुत तरह में, आप जो है शंकर गुड्डा देखिए, लाइन ऑफ देश क्या देखिए, अंत में जो उन्होंने बहुत एनी थम्बा लिखे उसको आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो प्रावधान किए हैं यहाँ की मूल भावना के अनुसार है और फंडामेंटल राइट्स भी उन्होंने दिए हैं, दुनिया का कई राइट्स जो है भारत में दिए गए। तो मैं जो है आर्थिक रूप से हम क्या सक्षम हो गए, अभी आपको यदि पता चलेगा और उनकी यदि आप रिपोर्ट देखें तो 1% जो भारत के अगर भारत प्रति 1% उन पर यहाँ 70 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोगों की जो प्रॉपर्टी है भारत में वो 1% लोगों के पास में है। मैं सिर्फ भारत में ये कहना चाहूंगा कि लोगों के पास समय नहीं है, यदि ऐसा अवसर आता है, यदि ऐसा अवसर आता है कि हमारी भावनाओं पर हमारे संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो हमें वही करना पड़ेगा कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST कानून को जब डाइल्यूट किया गया था उसे यहाँ के भारत के बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर गए थे, गवर्नमेंट है टू रिपील दैट, किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ हमारे साथियों ने किया, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ गवर्नमेंट को अपने जो उनके 3 कानून थे उन्हें वापस लेना पड़ा, इसी तरह से ये हमारे संविधान की पूर्व भावना पर उसकी रेटिनिटी पर और जो डिग्निटी है उस पर बात होती है। तो हमें नेल्सन मंडेला की तरह, इब्राहिम लिंकन की तरह और मार्टिन लूथर की तरह हमें जो है भारत में वही स्थिति पैदा करनी होगी। जब भी मैं संविधानवादी और संविधान के अनुसार बात करता हूँ, लेकिन यदि ये गवर्नमेंट और ये विचारधारा जो है डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा और दूसरी विचारधारा जो है साथियों, ये विचार डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ये है जो वर्तमान में विचारधारा चल रही है, जो आप टीवी रोजाना देख रहे हैं, जो विचारधारा यहाँ पे चल रही है, उससे यदि लड़ने का एकमात्र रास्ता वो अम्बेडकर आइड है और संविधान है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू।